नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पे। ओके, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना अणुसंख्य गुणधर्म का दूसरा पार्ट, जो क्वथनांक का उन्नयन होता है। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उस चीज को समझने। अब देखिए, अवनमन एक, इसके पहले हमने देखा था वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अवनमन माने कमी हो रहा था वहां पे वाष्प दाब में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मीन्स ये होता है वृद्धि यानी बढ़ जाना, अधिक होना। ठीक है, तो उसी चीज को हम देख रहे हैं, यानी एलिवेशन हो गया किसी चीज में, एलिवेशन हो गया किसमें होगा, बॉइलिंग पॉइंट में होगा। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, कभी सोचा है आपने कि सब्जी में नमक क्यों डाला जाता है, केमिस्ट्री की तार्किक लैंग्वेज में बताना है आपको। ठीक है, या दाल में अधिक नमक डालने से दाल बहुत जल्दी गल जाती है। ठीक है, वेपर कुकर प्रेशर में दाल बनाते हैं तो जल्दी बन जाती है, ऐसा क्यों होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ही कहीं ना कहीं रीजन होता है, इसी चीज को समझने वाले हैं। अब देखिए, क्वथनांक, सबसे पहले क्वथनांक का उन्नयन को समझने से पहले हमें क्वथनांक को समझना होगा। अब क्वथनांक क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, बीपी जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वथनांक क्या होता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं ना। लेकिन उसी का शुद्धिकरण, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड बढ़ गए 12th क्लास में है, तो उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन देंगे। क्या देंगे, कि किसी भी वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जो 1 atm के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 atm, 1 atmospheric होता है। ठीक है, अब हम सभी पर उतना प्रेशर नॉर्मल है, लगता ही लगता है। ठीक है, तो क्वथनांक को हम समझते हैं, यानी क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक जब कहेंगे आप, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्वथनांक समझते हैं कि क्वथनांक क्या है, यानी जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट यानी वीपी जिसको कहते हैं, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जब कोई द्रव उबलता है, वह ताप जब कोई द्रव उबलता है, ठीक है बच्चों, उबलता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी पिछले वाली परिभाषा थी, लेकिन अथवा इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे आप, कि वह ताप जिस पर देखिएगा ध्यान से, वह ताप जिस पर क्या होता है बच्चों, किसी द्रव का वेपर प्रेशर के बारे में आप जान ही चुके हैं, किसी द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वाष्प दाब जो है वह कितना हो जाता है, एक वायुमंडलीय हो जाता है या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हम होता है, एक वायुमंडलीय होता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए हमने यहां पर कोई एक रेखा ड्रॉ किया और इसको हम कह देते हैं कि यही वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, यही वायुमंडलीय दाब है, और वायुमंडलीय दाब कितना होता है बच्चों, 1 atm होता है, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं ना 1.013 bar भी कहते हैं। ठीक है, यानी बार में आप मात्रक जैसे ही यूनिट चेंज करेंगे तो उसमें 1 atm को कहा जाता है उतना। अब मान लीजिए यहाँ पर ये लाइन जो है वायुमंडलीय दाब को इंगित करती है, यानी प्रदर्शित कर रही है। अब इसी को हमने यहाँ पर कोई द्रव ले लिया, ठीक है, यानी यहाँ पर एक शुद्ध द्रव ले लिया H2O, ठीक है, ये क्या है, शुद्ध द्रव ले लिया, क्या ले लिया हमने, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है ना। अब चूंकि हम जानते हैं कि H2O कितने डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, यानी यहां पर हम 100 डिग्री न लेकर के मान लेते हैं कि H2O का जो टेम्परेचर है TB0 है, क्या माना हमने, TB0 है, T माने टेम्परेचर और B माने बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है,
और नॉट इसलिए लगाया क्योंकि ये शुद्ध द्रव लिया हमने, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है, इसलिए हमने मान लिया टीबी नॉट है इसका, ठीक है। अब दूसरे जगह हमने मान लिया टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट जो है वो आपका शुद्ध द्रव का क्वथनांक है, शुद्ध द्रव का क्वथनांक है बच्चों, ठीक है, शुद्ध द्रव का क्वथनांक आपने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर टीबी नॉट है, अब मान लिया यहाँ पर हमने कोई और विलयन ले लिया, अब देखिए इस शुद्ध द्रव यानी विलायक को मिला करके हमने कोई विलयन तैयार किया और उस विलयन में हमने किसी ऐसे अवाष्पशील ठोस को मिलाया, NaCl ले लीजिए या शुगर ले लीजिए या यूरिया ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, NaCl में लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। जैसे ही आप उस द्रव में एक अवाष्पशील ठोस मिलाओगे आप, तो उसके क्या होगा, उसका जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा, है ना, वाष्प दाब कम होगा, लेकिन उसका वाष्प दाब जब कम होगा तो उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट में, अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिया विलयन है ये, और विलयन में जो आपने H2O प्लस NaCl मिला लिया, यानी NaCl एक अवाष्पशील ठोस को मिला दिया, तो अब आप क्या समझेंगे यहाँ पर, यहाँ पर इसलिए समझेंगे कि देखिए अब जो द्रव पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, ध्यान दीजिएगा, जो द्रव पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, अब उसी द्रव में आपने एक अवाष्पशील ठोस मिला दिया बच्चों, अवाष्पशील ठोस मिलाएंगे तो आप जानते हैं कि उसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी, और वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो इसको टेम्परेचर और अधिक देना पड़ेगा इसकी तुलना में, जैसे टेम्परेचर अधिक देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा ना, क्योंकि देखिए यहां से आप दे रहे थे तो यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा था इतना कम, अब चूंकि इसमें NaCl मिला दिया तो आपने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया, यानी और अधिक परिश्रम करके आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, और टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, देखिए ये वाली चीज बढ़ रही है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ इसका हो जाएगा, समझ पाए, तो मान लिया इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने टीबी मान लिया, ठीक है, टीबी मतलब यहाँ पर टेम्परेचर और बी माने बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखिए टीबी क्या है, जो विलयन का है, टीबी जो है वो क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, देखिएगा ध्यान से, विलयन का वाष्प दाब हमने मान लिया टीबी है, ठीक है। अब जैसे ही आपने टीबी जो है विलयन का वाष्प दाब माना और टीबी नॉट को क्या माना, शुद्ध विलायक यानी द्रव का आपका क्वथनांक माना, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब या क्वथनांक लिख लीजिए, यहाँ पर क्वथनांक लिख लीजिए, विलयन का क्वथनांक, क्योंकि क्वथनांक की ही बात कर रहे हैं ना, तो क्वथनांक यहाँ पर टीबी हो गया। अब चूंकि यहां से देखिए किसका क्वथनांक अधिक होगा, हम जानते हैं कि जो टीबी होगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसकी तुलना में, टीबी नॉट की तुलना में, ठीक है ना बच्चों, वही चीज हम समझने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट की अभी बात किया, अभी हमने क्वथनांक का उन्नयन तो देखा ही नहीं, कैसे बढ़ा उस चीज को ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको, तो अब आप आसानी से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, एक ग्राफ खींचता हूं मैं क्वथनांक का उन्नयन में, और क्वथनांक का उन्नयन भी पढ़ते हैं, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।